कोणादित्य की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भारत वर्ष में दक्षिण समुद्र के किनारे ओंड्र देश के नाम से विख्यात एक प्रदेश है, जो स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। समुद्र से उत्तर विरज मंडल तक का प्रदेश पुण्य आत्माओं के संपूर्ण गुरु द्वारा सुशोभित है। उस देश में उत्पन्न जो जितेंद्रिय ब्राह्मण तपस्या एवं स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं, वह सदा ही वंदनीय एवं पूजनीय है। उस देश के ब्राह्मण श्राद्ध, दान, विवाह, यज्ञ अथवा आचार्य कर्म सभी कार्यों के लिए उत्तम है। वह षटकर्म परायण, वेदों के पारंगत विद्वान, इतिहास वेत्ता, पुराणार्थ विशारद, सर्वशास्त्रार्थ कुशल, यज्ञशील और राग द्वेष से रहित होते हैं। कोई वैदिक अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और कोई स्मार्त अग्नि की उपासना करते हैं। वह स्त्री, पुत्र और धन से संपन्न दानी और सत्यवादी होते हैं तथा यज्ञोत्सव से विभूषित पवित्र उत्कल देश में निवास करते हैं। वहां क्षत्रिय आदि अन्य तीन वर्णों के लोग भी परम संयमी, स्वकर्म परायण, शांत और धार्मिक होते हैं। उक्त प्रदेश में भगवान सूर्य कोणादित्य के नाम से विख्यात होकर रहते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुनियों ने कहा, सूर्यश्रेष्ठ, पूर्वोक्त ओंड्र देश में जो सूर्य का क्षेत्र है, जहां भगवान भास्कर निवास करते हैं, उसका वर्णन कीजिए। इस समय हम उसे ही सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरो, लवण समुद्र का उत्तर तट अत्यंत मनोहर और पवित्र है। वह सब ओर वालुका राशि से आच्छादित है। उस सर्वगुण संपन्न प्रदेश में चंपा, अशोक, मौलसिरी, करवीर, गुलाब, नागकेसर, ताड़, सुपारी, नारियल, कैथ और अन्य प्रकार के वृक्ष चारों ओर शोभा पाते हैं। वहां भगवान सूर्य का पुण्य क्षेत्र है, जो संपूर्ण जगत में विख्यात है। उसका विस्तार सब ओर से एक वजन से अधिक है। वहां सहस्त्र किरणों से सुशोभित साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। वह कोणादित्य के नाम से विख्यात एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वहां माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करें, फिर प्रातः काल शौच आदि से निवृत्त एवं विशुद्ध चित्त हो सूर्य देव का स्मरण करते हुए विध पूर्वक समुद्र में स्नान करें, देवता, ऋषि और मनुष्यों का तर्पण करें, तत्पश्चात जल से बाहर आकर दो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर आचमन करके पवित्रता पूर्वक सूर्योदय के समय समुद्र के तट पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे लाल चंदन और जल से तांबे के पात्र में एक अष्टदल कमल की आकृति बनाए, जो केसर युक्त होकर गोलाकार हो, उसकी कर्णिका ऊपर की ओर उठी हो, फिर तिल, चावल, जल, लाल चंदन, लाल फूल और कुशा उस पात्र में रख दे। तांबे का बर्तन न मिले तो मदार के पत्ते का दोना बनाकर उसी में तिल आदि रखें। उस पात्र को एक दूसरे पात्र से ढककर रखें। इसके बाद हृदय आदि अंगों के क्रम से अंगन्यास और करन्यास करके पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने आत्म स्वरूप भगवान सूर्य का ध्यान करें। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के मध्य भाग में तथा अग्नि, नैऋत्य वायव्य और ईशान कोणों के दलों में एवं पुनः मध्य भाग में क्रमशः प्रभूत, विमल, सार, आराध्य, परम और सुख रूप सूर्य देव का पूजन करें। इसके अनंतर वहां आकाश से सूर्य देव का आवाहन करके कर्णिका के ऊपर उनकी स्थापना करें। तत्पश्चात हाथों से सुमुख, संपुट आदि मुद्राएं दिखाए, फिर देवता का स्नान आदि कराकर एकाग्र चित्त हो इस प्रकार ध्यान करें। भगवान सूर्य श्वेत कमल के आसन पर तेजो मंडल में विराजमान है। उनकी आंखें पीली और शरीर का रंग लाल है। उनके दो भुजाएं हैं। उनका वस्त्र कमल के समान लाल है। वे सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त और सभी तरह के आभूषणों से विभूषित है। उनका रूप सुंदर है। वे वर देने वाले शांत यो प्रभा पुंज से दे दीप्यमान है। तदनंतर उदय काल में स्निग्ध सिंदूर के समान अरुण वर्ण वाले भगवान सूर्य का दर्शन करके अर्ध पात्र ले, उसे सिर के पास लगाए और पृथ्वी पर घुटने टेक कर मौन हो,
एकाग्र चित्त से त्रिअक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्ध दे। जिस पुरुष को दीक्षा नहीं दी गई है वह भाव युक्त श्रद्धा के साथ सूर्य का नाम लेकर ही अर्घ दे, क्योंकि भगवान सूर्य भक्ति के द्वारा ही वश में होते हैं। अग्नि नैऋत्य वायव्य एवं ईशान कोण मध्य भाग तथा पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः हृदय सिर शिखा कवच नेत्र और अस्त्र की पूजा करें, फिर अर्घ दे। गंध धूप दीप और नैवेद्य निवेदन कर जप अस्तुत नमस्कार तथा मुद्रा करके देवता का विसर्जन करें। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री और शूद्र अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा संयम पूर्वक भक्ति भाव और विशुद्ध चित्त से भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं वह मनोवांछित भोगों का उपभोग करके परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले आकाश विहारी भगवान सूर्य की शरण लेते हैं वह सुख के भागी होते हैं। जब तक भगवान सूर्य को विधि पूर्वक अर्घ न दे लिया जाए तब तक श्री विष्णु शंकर अथवा इंद्र का पूजन नहीं करना चाहिए। अतः प्रतिदिन पवित्र हो प्रयत्न करके मनोहर फूलों और चंदन आदि के द्वारा सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार जो सप्तमी तिथि को स्नान करके शुद्ध या एकाग्र चित्त हो सूर्य को अर्घ देता है उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। रोगी पुरुष रोग से मुक्त हो जाता है। धन की इच्छा रखने वालों को धन मिलता है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है और पुत्र की कामना रखने वाला मनुष्य पुत्रवान होता है। इस प्रकार समुद्र में स्नान करके सूर्य को अर्घ दे, उन्हें प्रणाम करे, फिर हाथ में फूल लेकर मौन हो सूर्य के मंदिर में जाए। मंदिर के भीतर प्रवेश करके भगवान कोणादित्य की 3 बार प्रतिदक्षिणा करें और अत्यंत भक्ति के साथ गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य साष्टांग प्रणाम जय जय जयकार तथा स्रोतों द्वारा उनकी पूजा करें। इस प्रकार सहस्त्र किरणों द्वारा मंडित जगदीश्वर सूर्य देव का पूजन करके मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। इतना ही नहीं वह सब पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर धारण करता है और अपने आगे पीछे की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार करके सूर्य के समान तेजस्वी एवं इच्छा अनुसार गमन करने वाले विमान पर बैठकर सूर्य लोक में जाता है। उस समय गंधर्वगण उसका यशोगान करते हैं। वहां 1 कल्प तक श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके पुण्य क्षीण होने पर वह पुनः इस संसार में आता है और योगियों के उत्तम कुल में जन्म ले 4 वेदों का विद्वान स्वधर्म परायण तथा पवित्र ब्राह्मण होता है। तदनंतर भगवान सूर्य से ही योग की शिक्षा प्राप्त करके मोक्ष पा लेता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भगवान कोणादित्य की यात्रा होती है। यह यात्रा दमन भंजिका के नाम से विख्यात है। जो मनुष्य यह यात्रा करता है उसे भी पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य के शयन और जागरण के समय संक्रांति के दिन विषुव योग में उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने पर रविवार को सप्तमी तिथि को अथवा पर्व के समय जो जितेंद्रिय पुरुष वहां की श्रद्धा पूर्वक यात्रा करते हैं वे सूर्य के ही भांति तेजस्वी विमान के द्वारा उनके लोक में जाते हैं। वहां समुद्र के तट पर रामेश्वर नाम से विख्यात भगवान महादेव जी विराजमान हैं, जो समस्त अभिलषित फलों के देने वाले हैं। जो समुद्र में स्नान करके वहां श्री रामेश्वर का दर्शन करते और गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य नमस्कार स्रोत गीत और मनोहर वाद्यों द्वारा उनकी पूजा करते हैं वह महात्मा पुरुष राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञों का फल पाते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं।